झिंगुर को देखो, ये तो लटक गई। ये आप भी चिपकी हुई है। हाय कर दो। हाय हाय। हेलो एवरीवन, तो अभी जस्ट मेरा ब्लॉग फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये शाम होने वाला है। शाम के 5 बज रहे हैं, तो दीदी का डांस रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ मैं, तो आपको भी ले चलती हूँ। आज मैंने 2 शूट किया उनका डांस का, अब 3rd वाला होने वाला है। एंड बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, 2 ही करने वाले थे लेकिन तीसरा वाला भी करने जा रहे हैं हम लोग। तो अभी तीसरा वाला हम लोग छत पे ही करेंगे, तो चलते हैं छत पे और आपको बाहर का भी। मम्मी जी हमारी हमेशा काम करती रहती है। देखिए फिर से लहसुन छिल रही है और शाम को बहुत मस्त खाना बनाने वाली है मम्मी, छोले भटूरे। तो आपको भी खाना है तो आ जाइएगा मम्मी। तब तक हम जाते हैं फटाक से दीदी का रिकॉर्डिंग करते हैं। यार बाहर का भी देखिए, बाहर का व्यू देखिए, कितना भयानक वाला। और मेरे घर के आगे जो है इतना हरियाली, एकदम मस्त लगता है। चलिए तो छत पे चलते हैं। तो गाइस कितना प्यारा है ना, अरे वाह यार, सब एकदम ये जगालू और लीची भाई हैं। ये डुगडू डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, डुगडू डायरेक्टर। और दीदी इधर अपनी रेडी हो चुकी हैं, तो फटाक से पहले वीडियो, अरे पहले इनकी डांस वीडियो बना लेते हैं, नहीं तो ये इधर की ये बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले इधर की मौसम तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, वाह 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 वाह। और इधर ये हैं हमारी डांसर जो कि डांस करने वाली हैं। ये देखो ये काला काला कौवा जा रहा है, वो भी बेचारा उड़ जा रहा है, हवा चल रहा है ऐसा। ये देखो बहुत ही प्यारा व्यू हो गया है इधर का। तो, ये नहाए तो फटाफट से हम लोग डांस वीडियो शूट करते हैं। तो चलते हैं फटाफट से डांस वीडियो शूट करते हैं। अरे तुम बढ़िया मौसम हो गया कि मन कर रहा है अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। हवा काफ़ी तेज चल रही है और मेरा बाल मेरे पूरे फेस पे आ रहा है। अगर आपको दीदी का डांस वीडियो भी चाहिए तो उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो भी बहुत बाय बाय। तो बाहर का मौसम तो देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मम्मी तेल डाल रही है कढ़ाई में। ये मैंने कुछ और रेडी किया है, इसको भी बनाएंगे भी। और ये रहा भटूरा जो बनाना है उसका, ये आटा जिससे बनेगा, ये मैदा है, ये प्रिपेयर हो चुका है, बस इसको छानने की तैयारी हो रही है। और हम लोग का जो छोला था वो भी बन चुका है, बस ये इसको रेडी करना है। तो इसको भी ये है वो, इसको क्या बोलते हैं, इसको नमक पारा बोलते हैं ना ऐसे ही कुछ, अरे इसमें कुछ बोलते हैं, उन लोग को नहीं समझ आएगा, मतलब नमक पारा ही साथ बोलते हैं। और इसको सेवड़ा भी बोलते हैं, शकरपाला भी बोलते हैं। तो ये भी मैं बनाऊंगी क्योंकि मम्मी ये नहीं खाने वाली है, क्योंकि इसमें दही डाला हुआ है इसलिए मम्मी नहीं खाएंगी, मम्मी को दही नहीं पसंद। तो ये भी खाएगी मम्मी, ये खाएगी मतलब। तो पापा जी लाए ये कटोरी जो कि मेरा और मतलब सबका फेवरेट है, बहुत मस्त लगता है ये। डायरेक्ट बंदर खा रही है वो दूसरी बंदर। तो एक मैंने डाल दिया, ये ऑयल अब गर्म हो चुका है तो उसको पूरा डालेंगे इसके अंदर। अब करो है, जैसे ये थोड़ा ब्राउन हो चुका है तो इसको हम लोग निकाल देंगे बाहर। तो ये लीची भाई मेरे लिए प्रसाद लाए हैं थोड़ा सा, तो हम ले लेते हैं और माथे लगा के खा लेते हैं। लीची भाई मेरे लिए लेकर आए। तो ये सॉरी, देखो कितना यम्मी लग रहा है ना, आपको भी खाना है ना।
तो इसकी रेसिपी आपके साथ कभी शेयर कर देंगे अगर आपको बनाना हो तो। मम्मी इधर भटूरा के लिए इसको मतलब इसको बेल दिया है, इसको बस छानना बाकी है। तो ये भटूरे को हम छान रहे हैं, मतलब उसको भटूरा ही बोलते हैं यार, छोले भटूरे। तो ये रेडी हो चुका है, इसको निकाल देते बाहर। एक इधर निकला है थाली में, कढ़ाई में, कढ़ाई में कढ़ाई निकाल देते बाहर। डगालू उलट गई पापी पापी करते हुए, डगालू फिर से कराओ। ओए तो आज कुत्तू जी भी खाएंगे भटूरा, क्योंकि रोटी खत्म हो गया तो पापा उसको ले कर जा रहे भटूरा डाल। चलो उसकी भी पार्टी हो जाएगी। तो ये अरे झिंगुर का देखो, ये तो लटक गई, ये लटक गई। तो ये मेरा नाश्ता मतलब डिनर जो है वो रेडी हो चुका है, छोला भटूरा हमारा तैयार। तो अब इंजॉय करते हैं, तो अब रात भी हो चुकी है, तो अपना हम ब्लॉग सुबह फिर से कंटिन्यू करेंगे। और ये डगालू मेरा पानी लेके भाग रही है, देखो इसको, अब इसको मम चाहिए। लो पी लो, बहुत दोस्त है मेरा, खाना चोरी करने आई थी, चोरी करने आई थी। तो मेरा डिनर रेडी हो चुका है, अब हम चल रहे हैं अपना छोला भटूरा इंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए, अगर आपको बनाने का मन नहीं है तो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे खाने के लिए। और ये मेरी बंदरी है, आप भी चिपकी हुई है, हाय कर दो। हाय। तो चलो अब इंजॉय करते हैं और सुबह मिलते हैं आपको, बाय बाय, तब तक के लिए।